हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू घर पे सीखो। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, आज बना रहे हैं परवल की मिठाई। उसके लिए सबसे पहले हमने लिए परवल। ये देखिए, ये है परवल, इसको मैंने अच्छे से धो दिया है। अब हम आज इससे बनाने वाले हैं इसकी मिठाई। तो हम सबसे पहले परवल को छील लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने परवल को छील लिया है, इसको हम बीच से कट लगाएं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको बीच से कट लगा दिया है। बीज निकाल इसका, हाँ, जो भी ये बीज है हमें उसको निकाल देना है, अलग कर दो। कट थोड़ा छोटा लगाएं, इस बार टूट गया है, कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से कट में थोड़ा छोटा लगाऊंगी। ठीक है, इस तरीके से हम बाकी के परवल को भी छील देते हैं। और इस बार कट थोड़ा मैं छोटा लगाऊंगी, जिससे मेरा परवल का जो टूटे ना। हाँ, थोड़ा सा होगा, वो कोई बात नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं। बस ये बीज निकालना है पूरा, बीज मिठाई में अच्छे नहीं लगेंगे। वहाँ पे पीछे लूटो। ये देखिए, इस स्टफिंग को भरेंगे, मतलब गुजिया है, पर गुजिया का जो बेस है परवल। हाँ, तुम समझ गए। मैंने ये परवल में पानी डाल दिया, इसको थोड़ा सा बॉईल करेंगे। मेरे परवल उतने फ्रेश नहीं थे, एक्चुअली 1 वीक हो गए थे लाए हुए। आप फ्रेश परवल का बनाइए तो, ना जब आप बीज निकाल रहे थे तो टूट रहे थे। तो अभी तो मैं इसी को ट्राई करूँगी, क्योंकि परवल ज़्यादा है मेरे पास, तो मुझे इसका कुछ ना कुछ तो यूज करना ही है। तो चलिए इसको बॉईल कर देते। परवल बॉईल हो रहे हैं और इसको हम सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। उसके बाद ना, जब तक ये परवल बॉईल हो रहा है, तब तक मैंने ये जो खोवा निकाला था, इसको थोड़ा सा भूंज लेती हूँ अच्छे से, इससे मिठाई की जो लाइफ सेल्फ लाइफ है ना, वो बढ़ जाएगी। देखिए दोस्तों, मैं खोवा को ऑलमोस्ट भून गया है, थोड़ा और भूनेंगे तो इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तो ये देखिए दोस्तों, कितने सुंदर ये परवल लग रहे हैं बॉईल होके। इसी तरीके से आपको बॉईल कर लेना है। इसमें खोवा है तो इतना ही मैं इसमें शुगर मिला दूंगी। शुगर को ना पीस के डालेंगे तो टेस्ट अच्छा है। तो पीस दिया है तो अभी मेरे करेले ना बॉईल हो गए बहुत ज्यादा। अरे सॉरी दोस्तों, परवल बंद करो इसको। ये देखिए दोस्तों, ये परवल अब बॉईल हो गए हैं। इसको पर फिल्टर कर देती हूं, इसका जो भी पानी वगैरह इसमें होगा। और बीजे को भी, बीजे तो है ही नहीं ना ऑलमोस्ट, यदि 2 बीज है वो आप निकाल सकते हैं इस टाइम पे। और देखो लोग ना इसको ठंडे पानी में डाल देते हैं, कितना अच्छा कलर आ रहा है। हाँ, डार्क ग्रीन चाहिए तो आप इसमें एक्स्ट्रा कलर भी ऐड कर सकते हैं, पर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, यही कलर मेरा फेवरेट कलर है। अभी इसको मैं शुगर में बॉईल करूंगी तब इसमें मीठापन जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, तो फिर हम इसको शुगर डिप देंगे। हाँ हाँ, जैसे गुलगतरी बनाते हैं ना वैसे, जो भी पानी है जैसे हम टूटी फ्रूटी बनाते हैं। हाँ हाँ, आप चाहें तो दोस्तों इसका ठंडे पानी में डाल दीजिए, आपने ज्यादा कुक कर लिया है तो। ठीक है, तो फिर जल्दी ठंडा हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, मैं क्योंकि अब इसको सीरा बनाऊंगी और उसमें डालूंगी, और ये जो एक्स्ट्रा पानी है इसको आप फेंक दीजिए, कुछ यूज नहीं है। हाँ, मैं इसी में थोड़ा सा शुगर डालूंगी। ये देखिए दिखा, ये देखिए दोस्तों, इतने करेले हैं, इसके लिए मैं शुगर डालूंगी, क्योंकि दोस्तों परवल यार इतने परवल हैं कि अब हम इसको शुगर में बॉईल करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे 1 गिलास। ये शुगर सिरप, शुगर सिरप कहते हैं। हाँ, ये पानी डाल दिया है दोस्तों। इसमें अगर आप नमक डालोगे तो ORS जैसा काम करता है। नमक और नींबू किसको। तो ये देखिए, थोड़ा सा पकने के बाद ना इसमें हम इस परवल जोर को बॉईल करेंगे। आप एक तरह से पक होगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये शुगर को अच्छे से हमें मेल्ट होने तक पहले इसको बॉईल करना है। Thank you.
तो देखिए, ये देखिए दोस्तों, हमने डाल दिया इसको शुगर सिरप में बॉईल होने के लिए। इसको 4 से 5 मिनट हम बॉईल करेंगे, जब तक कि हमारे जो परवल हैं ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते हैं। इतना प्यारा कलर लग रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरीके से आ जाता है। आपको यदि डार्क ग्रीन कलर चाहिए तो आप थोड़ा सा कलर मिला सकते हैं, फ्रूट कलर, पर मेरे को तो ये कलर ही अच्छा लग रहा है, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं मिलाऊँगी। ऑटोमेटिक थोड़ा सा ना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जो भी बीज है अभी इस टाइम पे हम निकाल देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, जब तक ये मेरे परवल जो है वो शुगर सिरप में बॉईल हो रहे हैं, तब तक मैंने इसको भी कट कर लिया है, काजू और बादाम को। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं वो सब इसमें कट कर लें, या फिर थोड़ा सा आप इसको मशीन में भी चला सकते हैं, मिक्सर में, पर मुझे कटे हुए पसंद है इसलिए मैं इसको काट रही हूँ। क्या ये देखिए दोस्तों, अब ये परवल ना बॉईल हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा ये दोस्तों, ये परवल अब बॉईल हो गए हैं और ट्रांसपेरेंट भी हो गए हैं। अब इसको निकाल देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठे हो जाएंगे नहीं तो। चलिए अगेन सेम प्रोसेस करते हैं और इसको फिर से छन्नी में निकाल। मैंने छन्नी में रख दिया है इसको छानने के लिए, जो भी इसमें एक्स्ट्रा शुगर सिरप होगा वो सब निकल जाएगा। अभी खोबा ठंडा हो गया है, मैं इसमें शुगर मिला देती हूँ। शुगर को मैं थोड़ा सा पीस दिया है जिससे कि वो खाने में अच्छी लगे, हल्का सा दरदरा भी रखा है। फोकस कुछ नहीं, चलो। तो हम लोगों ने अब इसमें परवल मिला दिया है। नहीं नहीं, मिलाया नहीं है, हम इसको ठंडा करके इसमें स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग करेंगे, अभी बहुत गर्म है, अभी स्टफिंग करने बननी रही थी में। तो मैं आपको दिखा देती हूँ दोस्तों, इस तरीके से हम इसको स्टफिंग करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, कितने अच्छे लग रहे हैं खोबा और परवल, अभी इनको स्टफिंग कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये परवल की मिठाई जो है अब मैं रेडी कर रही हूँ। ये स्टफिंग है, ये खोबा और शुगर से, थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं, देखिए दिखने में ये कितनी सुंदर लग रही है ना। जैसे मार्केट से मिठाई आती है उस तरीके की, ऐसा लग रहा है कोई शिप है। शिप है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि लोग परवल की मिठाई बनाना सीखें। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप अच्छे अच्छे रेसिपीज का मज़ा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बाय।